नमस्कार मित्रों, आप सबको सुबह की राम राम। आज का दिन तारीख 5 जून 2021 वार शनिवार। मित्रों, आज का सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त होगा 7:23 को शाम। आज की राशि होगी मेष और आज का नक्षत्र है रेवती। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की राशियों की। अरे भाई, मारू तो नसीब ज फूटेलू छे। केम भाई? मारा कोई काम थता नथी, बद्दा मा अड़चण ज आवे छे। ते तारी कुंडली कोई ने बतावी? हा हा, 4 जणा ने बतावी। बद्दा ज कहे छे के तमने पितृदोष छे, बीजी घणी तकलीफो छे ने ए माटे पूजा कराव तो ज सफळ थवाय। केटलो खर्चो कीधो? 20-25 हजार कीधा। शुं वात करे छे भाई, तने भूख लागे ने हुं खाई लऊं तो चालशे? આવું તો કેવી રીતે ચાલે? તો પછી બીજા પૂજા કરે ને તારું કલ્યાણ થાય, એવું કઈ રીતે બને? તો શું કરવું જોઈએ? તો એક જ ઉપાય છે, તું તારી પોતાની લાલ કિતાબ બનાવીને તેના ઉપાય કર। શું એનાથી જિંદગી બદલાશે? કરશે તો જરૂર બદલાશે। લાલ કિતાબ એક જ એવું શાસ્ત્ર છે કે જેમાં તમારા માટે તમારે જાતે જ ઉપાય કરવાના હોય છે। શું વાત કરે છે? હા ભાઈ, જેમ આપણે જમીએ તેમાં આપણું જ પેટ ભરાય, તેવી જ રીતે આ લાલ કિતાબ નો ઉપાય કરે છે અને જે તે ઉપાય કરે છે તેનું જ કલ્યાણ થાય છે। તો ચલો ને લાલ કિતાબ ના ઉપાય થી ચાલો બદલીએ જિંદગી। તો ચાલો બનાવીએ આપની પોતાની લાલ કિતાબ। નીચે સ્ક્રીન પર ચાલતા નંબરો થી તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। મેષ રાશિ, મેષ રાશિ વાલે કે લિયે આજ એક બહોત ધ્યાન મે રખને વાલી ચીજ હે। આજ આપ કિસી કી જામીનગીરી મે કિસી કી ગેરંટી પર સાઇન નહીં કરેંગે। અગર કરતે હે તો યે આપકે લિયે बहुत बुरा फल लाएगा, तो इसको आज किसी भी तरह टाल दे। वृषभ, वृषभ राशि वाले को आज जो कुछ इन्वेस्ट करना है उसमें तकलीफें दिख रही है, तो आज सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, पूरी जानकारी ले जहां इन्वेस्ट आप कर रहे हो, उस बंदे की या उस कंपनी की, उस बैंक की, या फिर आज के दिन इसको टाल दे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले के लिए आज व्यापारिक कामों में इसको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। कर्क, कर्क राशि वाले को आज व्यापार में, समाज में, सेहत में, सभी जगह नुकसान होगा, तो इस पर ध्यान बनाए रखे, व्यापार पे नज़र बनाए रखे, सेहत को संभाल ले और कहीं भी पैसों के मामले में, लेन देन में सावधानी बरते। सिंह राशि, सिंह राशि वाले को आज फाइनेंशियली लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं रुके हुए पैसे आपके आ जाएंगे, व्यापार में अच्छा फायदा हो जाएगा, जो माल कई दिनों से पड़ा था वो शायद आज बिक जाए, तो इस तरह आपका पैसा आज रिलीज हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले के लिए आज मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। सुबह से ही, सुबह घर से निकलने से पहले रास्ते में, ऑफिस में, व्यापार की जगह में कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना सामने आएगी जिसमें आप नाराज हो जाएंगे, आपका मन अशांत हो जाएगा, तो इसको पहले से जान के निकले और ऐसी कोई घटना है तो इसे टाल दे आज, ताकि आपके मन को ठेस ना लगे, तो ये सावधानी आज पूरे दिन जरूर रखें। तुला राशि, तुला राशि वाले के लिए आज अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसमें आपको जो सोचा न था वैसा कोई खर्च आज आपको करना पड़ेगा। वृश्चिक, वृश्चिक राशि वाले को आज बहुत ध्यान देना है। आप जिस पर बहुत भरोसा करके बैठे हो, आप जिसे अपना अंगत व्यक्ति समझ रहे हो, वही आदमी आज आपसे बड़ा धोखा कर सकता है, तो इस पर ध्यान जरूर रखें। धनराशि, धनराशि वाले को आज कोई भी काम में साहस करना पड़ेगा, थोड़ी सी वीरता दिखानी पड़ेगी, मैं डरता नहीं हूँ, अगर डरे तो वापस आओगे आप, बिना डर के आज का दिन जो भी काम करे वो बिना डर से करे, ताकि आपको उसमें सफलता मिले। मकर राशि, मकर राशि वाले को कहीं ना कहीं आज प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ियाँ, इसमें कहीं छोटा मोटा खर्च आएगा जो आपको आज करना पड़ेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले के लिए आज नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, आज एक अच्छा प्रमोशन आ सकता है या इंक्रीमेंट आ सकता है, तो ये सब चीज़ आपके लिए आज के दिन कुछ अच्छे समाचार लेके आएगी। मीन राशि, मीन राशि वाले को आज अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, अचानक से पैसा आ सकता है, जो सोचा भी ना था वो पैसा आपका आ जाए, किसी बुजुर्ग की तरफ से आपको कोई मिलकत
आपको गिफ्ट में मिल जाए, ये सब चीज आज हो सकती है। तो मित्रों ये था आपकी राशियों का हाल, अब देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों हजार हाथों से एक सिर का महत्व बहुत होता है। सिर अगर नहीं है तो आदमी नहीं है, तो इसलिए सर को संभाल के रखें। मित्रों आज की वैद्यकीय सलाह, 10 ग्राम लहसुन की कली और 30 ग्राम काले तिल, इसको कूट के अगर आप खाते हैं तो जो हमें खींच का रोग आता है, जब अपने स्नायु जकड़ जाते हैं, एकदम से मुंह से जाग निकलने लगता है, ऐसे जिसी को रोग होते हैं वो ये उपाय करे तो इसमें इसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो मित्रों ये था आज का राशिफल, सुविचार और वैद्यकीय सलाह। तो मित्रों मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ, कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। चलो बदल दे जिंदगी।